Till now, if you see any system and surrounding and to find out its entropy change, let's say this may be our system. This may be our, let's say, system. Yeah, system ke liye main isko gas le leta hu, suppose, na? And here, this may be, let's say, surrounding. यहाँ जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दिस मे बी लेट्स से टी ऑफ सराउंडिंग एज टी सराउंडिंग लेट्स से डू यू थिंक एज़ सराउंडिंग का टेम्परेचर इज कंसर्न इट मे बी एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल जहां हम लोग रिएक्शन कराते हैं टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन कराता हूँ बेटा उस रिएक्शन के एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक की वजह से यूनिवर्स का टेम्परेचर चेंज हो जाता होगा क्या नहीं नहीं है ना तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ है ना नाउ एज पर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज कंसर्न है ना एज पर एंट्रोपी चेंज ऑफ गैस इज कंसर्न इसके लिए मेरे पास लास्ट क्लास में फार्मूला है इरेस्पेक्टिव ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है If you remember, this formula is NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. और ये CP के terms में लिखते हैं तो ये pressure बन जाता है बस है ना? हाँ sir, P1 by P2 बस. Yes, P1 by P2 बन जाता है और वो CP T2 by T1 बन जाता था. वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ ये process चाहे reversible हो या irreversible हो matter ही नहीं करने वाला था है ना? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन था और मुझे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पता होना चाहिए था बस है ना यस और नो अच्छा एज पर सराउंडिंग इज कंसर्न डू यू थिंक अगर मेरे पास सिस्टम में गैस में कुछ एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो सराउंडिंग का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता होगा क्या सराउंडिंग का क्लोज सिस्टम में क्यों नहीं नहीं मतलब सपोज मेरे पास ये जो सराउंडिंग है यहाँ गैस का एक्सपेंशन हुआ गैस 1 लीटर से सपोज 10 लीटर चला गया सपोज उसकी वजह से यूनिवर्स के वॉल्यूम पे फर्क पड़ा क्या जो बचा हुआ वॉल्यूम है कैन बी से हार्डली चेंज होने वाला है मतलब यू नो पूरे यूनिवर्स के वॉल्यूम से 9 लीटर में कम भी कर दूंगा है ना तो डू थिंक सराउंडिंग का वॉल्यूम विल रिमेन constant through is irrespective process mein kya expansion kya compression hua hai na yes sir so main kuch aisa bol sakta hu surrounding can always assumed to be let's say constant वॉल्यूम हीट रिजर्वायर क्या होता है रिजर्वायर का स्पेलिंग रिजर्वायर सो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजर्वायर मीन्स यू कैन एज्यूम कि उसका वॉल्यूम विल रिमेन अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट और उससे हीट ट्रांसफर हो सकता है ना वो हीट ले सकता है yes? तो ये लेट्स से वो हीट ले सकता था सपोज सराउंडिंग से सिस्टम सो ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है डू थिंक अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हीट ट्रांसफर इज इंटरनल एनर्जी चेंज ओनली एंड दस You know, heat transfer with respect to surrounding is always considered as its delta U. यही तो होता था डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम व्हिच इज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन ये स्टेट फंक्शन है
तो डू यू थिंक ये जो हीट ट्रांसफर हुआ सराउंडिंग के लिए, जो हीट ट्रांसफर हुआ सराउंडिंग के लिए, वो रिवर्सिबल मैनर में हो, वो इररिवर्सिबल मैनर में हो, डू यू थिंक सराउंडिंग में सेम चेंजेस ही होंगे? मैं फिर से बोलिए ना, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में जो हीट ट्रांसफर है अब वो स्टेट फंक्शन है. सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जो हीट ट्रांसफर है वो स्टेट फंक्शन है, तो उतना हीट रिवर्सिबल मैनर में ट्रांसफर हो या उतना हीट इररिवर्सिबल मैनर में ट्रांसफर हो, डू यू थिंक उसका चेंज इन सराउंडिंग एग्जैक्टली सेम ही होगा? यस सर, यस सर. सो एज पर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का फार्मूला इज कंसर्न, इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्यू एक्चुअल, है ना, कितना एक्चुअल हीट ट्रांसफर हुआ है, डिवाइडेड बाय टी ऑफ सराउंडिंग. मैं इसके लिए भी डीएस यही लिखता है ना, डी क्यू डिवाइडेड बाय टी, है ना, यही फार्मूला है डीएस, मतलब यू नो डेल्टा एस का. हाँ सर, डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए भी मैं यही फार्मूला यूज करूंगा कि नहीं? यस सर. बट टेक्निकली ये फार्मूला सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, है ना, ये जो फार्मूला है वो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था. बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो रिवर्सिबल मैनर में ही ट्रांसफर हो, चाहे वो इररिवर्सिबल मैनर में ही ट्रांसफर हो, सराउंडिंग में सेम ही चेंजेस होंगे, है ना. तो डू थिंक सराउंडिंग के लिए अब ये फार्मूला मैं किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकता हूँ, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इररिवर्सिबल हो, सराउंडिंग के लिए, है ना, सिस्टम के लिए नहीं बेटा, है ना. यस ओके सर. अच्छा, टी सराउंडिंग का कांस्टेंट है, तुमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया और ये डी क्यू ऑफ इंटीग्रल हो गया, तो डू थिंक इट इज ऑलवेज लेट्स से क्यू हो जाता, क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय टी ऑफ सराउंडिंग. हाँ सर. और ये क्यू मैंने किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं बेटा, यूजुअली सिस्टम के रेस्पेक्ट में कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में? सिस्टम. तो ये मैंने क्यू सिस्टम लिया है ना, एक्चुअल हीट. तो अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता जिसमें सिस्टम को हीट मिलता, तो डू थिंक सराउंडिंग का एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता, माइनस क्यू है उसके साथ में. हाँ सर. और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो ऑटोमेटिकली क्यू का साइन क्या होता मेरे पास यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता, और सराउंडिंग को हीट मिलता, उसका एंट्रोपी इंक्रीज हो जाता. हमारा क्लियर है? हाँ सर. चलो मैं दो सम्स तुम लोगों को इसके बेस पे करके दिखाता हूँ, बट ये तुम लोग को याद रखना है डेल्टा एस ऑफ गैस एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का फार्मूला, है ना सर. ये लिखना है, एक मिनट. यस, जल्दी से लिख डालो. तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना आई होप सबसे आसान है, उसमें बस जितना हीट ट्रांसफर हुआ है डिवाइडेड बाय टी ऑफ सराउंडिंग. हाँ, सिस्टम के लिए कई बार हम लोग को चेक करना पड़ सकता है कि मतलब यू नो आइसोकोरिक है आइसोबारिक है, तो ये फार्मूले में कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं. सराउंडिंग के लिए हमेशा सबसे आसान है एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना. लिखा है सर, दो मिनट सर, एक मिनट. बट ये समझ में आ रहा है कि सराउंडिंग के लिए वो रिवर्सिबल हो इररिवर्सिबल हो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हीट ट्रांसफर स्टेट फंक्शन है ना. यस. Thank you.
हाँ बेटा अभी लिखा गया सर। हाँ सर चलो। सो यस सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन का ए पार्ट है, हम लोग ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट पढ़ेंगे जिससे पूरी तरह से समझ में आ जाएगी सिचुएशन क्या है। इफ यू नो वन मोल ऑफ आइडियल गैस, वन मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 298 केल्विन। एट 298 केल्विन का मतलब क्या है बेटा? ये डू यू थिंक प्रोसेस इज आइसोथर्मल? हाँ सर। कौन? एट 298 केल्विन फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट डेल्टा एस ऑफ गैस, यू नो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग एंड डेल्टा एस टोटल। इफ गिवन प्रोसेस या गिवन एक्सपेंशन, इफ गिवन एक्सपेंशन यू नो कैरीड आउट रिवर्सिबली, इफ गिवन एक्सपेंशन इज कैरीड आउट रिवर्सिबली। देखो समझो बेटा क्वेश्चन को, ये मैं इस क्वेश्चन के ए बी सी तीनों पार्ट कर देता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम लोग भी ट्राई करना। क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास एक गैस है जिसमें वन मोल ऑफ आइडियल गैस है, सपोज इसमें एक ऐसा मूवेबल पिस्टन अटैच है, इसमें जो एक्सपेंशन होने वाला है गैस का, यू नो इट इज फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर and it is at constant temperature of let's say 25 degrees celsius या 298 केल्विन। यही है बड़ा क्वेश्चन? हाँ सर। यहाँ ये गैस है जो let's say 1 mole of gas है, डेल्टा एस ऑफ गैस का फार्मूला आसान है, हम लोगों ने ड्राइव किया भी है और यूज भी करेंगे। अगर ये आइसोथर्मल है तो क्या फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा इसके लिए? 2.303 log NR log of V2 by V1। हाँ सर। बेटा वो T2 by T1 वाला टर्म तो 1 बन जाएगा और log 1 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। So it would be equal to ये 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 इंटू लॉग ऑफ 10 by 1, है ना सर, एंड शुड बी इक्वल टू लॉग 10 का वैल्यू कितना? 0.9 इज 1 log 10 is 1, 2.303 multiplied by 8.314, को समझ में आ रहा कि ऐसा आ सकता है 19.16 joules per Kelvin, 2.303 multiplied by 8.314 around 19.16 है। तो डेल्टा एस ऑफ गैस समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट किया? अच्छा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, उसके लिए मेरे पास एक ही फार्मूला है, माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई टी ऑफ सराउंडिंग, है ना, ये फार्मूला है। अच्छा, इसमें कितना हीट ट्रांसफर हुआ होगा? डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, ये W यहाँ रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल ना सर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है एक्चुअली, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको? हाँ सर। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज अगर ये लिखा हुआ है एट 298 केल्विन रिवर्सिबली, तो कैन यू सजेस्ट मी व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है? 298 ही होना चाहिए, है ना, जो सिस्टम का टेम्परेचर है। यस ओ नो? Yes. अच्छा, डेल्टा यू का वैल्यू कितना होगा बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में?
आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में डेल्टा यू जीरो होगा, क्योंकि ये क्या होता था एन सी वी टी टू माइनस टी वन ना, टी टू एंड टी वन तो जीरो है, तो डू यू थिंक इफेक्टिवली ये मेरे पास बन गया W रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T ऑफ सराउंडिंग. W रिवर्सिबल का फार्मूला याद है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस ये हो जाता था -2.303 nRT log of V2 by V1 डिवाइडेड बाय यू नो इट इज T ऑफ सराउंडिंग. अच्छा T of system and T of surrounding तो same है यहाँ. So do you think ये exactly equal to आ गया -19.16 joules per Kelvin? ये उसका negative तो बचा बस यहाँ. Sir हर बार surrounding पर system. हर बार का temperature होगा. हर बार surrounding और system का temperature same होगा. अगर वो रिवर्सिबल मैनर में अच्छा यस सर, क्योंकि मुझे उतना यू नो हीट ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों का टेम्परेचर अराउंड एप्रोक्सीमेटली सेम ही होना चाहिए है ना, तो ही तो क्वासी स्टैटिक होगा वो. यस सर, थोड़ा ये समझ में आया कि डेल्टा एस ऑफ गैस प्लस 19.16 है और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग -19.16 है. अच्छा ऐसा होना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस टोटल का वैल्यू कितना होना चाहिए था? जीरो, क्योंकि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है. ठीक है, चलो ए पार्ट के लिए लिखो, फिर बी और सी पार्ट भी मैं जल्दी करके दिखाता हूँ तुम लोगों को. और इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स रहेगा तो भी पूछो उसमें. सर मुझे वो डेल्टा यू का नहीं समझा. मुझे डेल्टा यू क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस है, गैस का टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ है. अगर गैस का टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ है तो डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहाँ जीरो है बेटा, है ना, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा. अरे हाँ. लिखे हुआ है ऐसा? नो सर. यस. चलो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट बताता हूं, फिर मैं सी पार्ट भी बताऊंगा. सो बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, जैसे इसको बी लिख लेते हैं. हाँ, इफ गिवन एक्सपेंशन कैरीड आउट इंस्टेड ऑफ रिवर्सिबली, given expansion is carried out against you know constant pressure या constant p external of sir हो गया one atmosphere. ठीक है, देखो मैंने ये मिटा भी दिया. अब suppose same expansion हुआ है, same change in volume at constant temperature only, बट अभी मेरे पास P एक्सटर्नल कांस्टेंट है वन एटमॉस्फियर. अगर मेरे पास P एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो ये रिवर्सिबली होगा कि इरिवर्सिबली होगा? इरिवर्सिबली, क्योंकि गैस का प्रेशर तो ज्यादा हो सकता है, और रिवर्सिबल मैनर होने के लिए क्या कराना पड़ता था बेटा, गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम सेम ही होगा अप्रोक्सीमेटली, है ना? हाँ सर. ओके okay. अच्छा जल्दी से मुझे बताना बेटा, डेल्टा एस ऑफ गैस बी पार्ट का डेल्टा एस ऑफ गैस का वैल्यू कितना होगा? एन सी वी लॉग ऑफ एन सी
भी लोग T2 बाई T1 तो कुछ है ही नहीं भाई, T2 और T1 तो सेम ही है 25-25। हाँ सर, हाँ सर, तो वो कट आउट हो जाएगा सर, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, प्रेशर भी ले सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है ना बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, गैस का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है इस बार, है ना। अच्छा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये सेम चेंज इन वॉल्यूम है गैस के लिए, अभी भी गैस 1 लीटर से 10 लीटर जाना है, अभी भी गैस का टेम्परेचर 298 केल्विन है, 19.16। वेरी गुड, यही सुनना चाहता हूं मैं। सो डेल्टा एस ऑफ गैस इज +19.16 जूल्स पर केल्विन। बट यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में हो, वो प्रोसेस इररिवर्सिबल मैनर में हो, इफ वी हैव सेम चेंज इन गैस, सो डेल्टा एस ऑफ गैस तो चेंज ही नहीं हुआ फिर। हाँ सर। अच्छा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू एक्चुअल, नहीं भाई ये रिवर्स, इसके लिए फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगेन इट इज यू नो, मैं ऐसा लिख लू माइनस ऑफ डेल्टा यू माइनस ऑफ वर्क डन, बट इस बार वर्क डन रिवर्सिबल नहीं हुआ है, इस बार वर्क डन क्या हुआ है, इररिवर्सिबल हुआ है, एंड टी ऑफ सराउंडिंग शुड बी फर्दर इक्वल टू, डू यू थिंक ये आ जाता मेरे पास माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी ऑफ सराउंडिंग। अभी जो वर्क डन है इरिवर्सिबल का यही आएगा ना, अगेंस्ट कॉन्स्टेंट पी एक्सटर्नल इज माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। हाँ सर, तो डेल्टा यू सर फिर से जीरो आया, डेल्टा यू फिर से जीरो है, क्योंकि ये अगेन आइसो थर्मल प्रोसेस, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ही प्रोसेस है। हाँ सर। अच्छा, शुड बी इक्वल टू, तो कितना है पी एक्सटर्नल का वैल्यू, 1 atmosphere means 1.01 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी टू माइनस वी वन। डो यू थिंक ये है मेरे पास 9 लीटर का डिफरेंस है। Do you think 9 liter is 9×10^-3 m³? हाँ, मीटर क्यूब, यस। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है वो जूल्स बन जाता है ना, न्यूटन मीटर। डिवाइडेड बाय टी ऑफ सराउंडिंग इज नथिंग बट लेट्स से 298 केल्विन। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं गिवन है तो हम लोग दोनों का टेम्परेचर क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। ऐसा आइसोबारिक प्रोसेस में अगर बाहर का प्रेशर नहीं गिवन है तो हम लोग दोनों का प्रेशर सेम ले सकते हैं, है ना, सराउंडिंग का भी और सिस्टम का भी। डू यू थिंक ये अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा आ सकता है क्या, -3.03 joules per kelvin। ये ऊपर वाला टर्म एग्जैक्टली 909 हो गया बस। हाँ सर, 909 divided by nearly 300 है ना। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, डेल्टा एस ऑफ टोटल कितना आया, डेल्टा एस ऑफ गैस प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग 16.13 joules per kelvin। यू नो इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स डू यू थिंक ये जो एक्सपेंशन है इट विल बी स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन। हाँ सर। ऐसा बी पार्ट भी लिख लो, फिर सी पार्ट भी कराऊंगा इसका।
थोड़ा लिखे हुआ है ऐसा, नाउ इट इज सी पार्ट. इफ गिवन एक्सपेंशन कैरीड आउट, इफ गिवन एक्सपेंशन कैरीड आउट यू नो अगेंस्ट वैक्यूम या ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, ड्यूरिंग यू नो फ्री एक्सपेंशन. बेटा फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, उसको अगेंस्ट, उसको अपोज करने वाला कोई प्रेशर नहीं है, है ना. ओके अच्छा, डेल्टा कितना भी जाएगा है ना सर. नहीं तो लेट से मैंने 1 लीटर से 10 लीटर तक ही मैं स्टडी कर रहा हूँ बस, है ना, जो 1 लीटर से 10 लीटर तक गया है बस, है ना. डेल्टास ऑफ गैस कितना होगा इसमें, चल टेंजेंट टेम्परेचर तो उतना ही है ना, तो उतना ही होना चाहिए, तो डेल्टास ऑफ गैस इतना ही रहेगा. चलो अब जल्दी से मुझे बताओ डेल्टास ऑफ सराउंडिंग कितना होगा इसमें. इसमें डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना होगा. वेरी गुड ध्रुव लद्दा, सेम ना सर. क्या सेम, सेम होगा, क्या सेम होगा ना लायक सर, वो सिस्टम के जितना है सर. ओके जीरो 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 टी एक्सटर्नल जीरो है. अगर ये पी एक्सटर्नल जीरो है तो कोई वर्क डन ही नहीं हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ, कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं है, तो हीट ट्रांसफर विल बी जीरो. तो सराउंडिंग से अगर कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ प्रैक्टिकली. हाँ, अच्छा डेल्टा एस ऑफ टोटल का वैल्यू कितना आ गया, प्लस 19.16 जूल्स पर केल्विन. इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन. और डू यू थिंक जितने भी फ्री एक्सपेंशन है वो तो सबके सब स्पॉन्टेनियस होंगे ही होंगे ना. नहीं मतलब यू नो अगेंस्ट वैक्यूम, तो अगर प्रेशर मेरे पास बहुत कम भी है गैस का तो भी एक्सपेंशन होगा ही होगा हमेशा. यस बड़ा ये लिखे हुआ है सर. सर एक मिनट. अभी हो गया है सर ऊपर का मिटा जी लास्ट लाइन. चलो ये एक क्वेश्चन था, ऐसा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ तुम लोगों को, है ना. लेट्स से क्वेश्चन नंबर टू. इफ वन मोल ऑफ, लेट्स से लिख लेते हैं मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, या क्लियर था, वन मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड expanded you know adiabatically, expanded adiabatically from, expanded adiabatically from you know, from you know 10 atmosphere starting में दिया हुआ है, उसका जो pressure दिया हुआ है it is 10 atmosphere and 27 degree celsius, one mole of ideal gas expanded adiabatically from 10 atmosphere 27 degree celsius, find out delta s of gas, delta s of surrounding, delta s of total. अच्छा हम लोग को इसमें ये जरूर दिया होना चाहिए था
हाँ रुको बेटा वैष्णवी, मैं और थोड़ा सा बताता हूँ, तुमने आंसर सही बताया है, मैं क्वेश्चन अभी पूरा करने दो मुझे। ये एक्सपेंड हो रहा है, लेट्स से 10 एटमॉस्फियर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, रिवर्सिबली मैनर में हो रहा है ना। इफ गिवन एक्सपेंशन अप टू, यू नो, इफ गिवन एक्सपेंशन अप टू, गिवन एक्सपेंशन यू नो अप टू 1 एटमॉस्फियर, इफ गिवन एक्सपेंशन अप टू 1 एटमॉस्फियर इज कैरीड आउट रिवर्सिबली, कैरीड आउट रिवर्सिबली। यहां कुछ और भी दिया है, ये जो गैस है उसका गामा का वैल्यू दिया हुआ है 5/3, और ये क्वेश्चन का ए पार्ट है। तो बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, आइसोथर्मल, यस नो? हाँ सर। अच्छा लेट्स से इस वाले क्वेश्चन में ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मतलब होता है कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, यही एडियाबेटिक का मीनिंग। हाँ सर। तो अभी ये गैस है, यहाँ यू नो स्टार्टिंग का जो T1 का वैल्यू है इट इज 300 केल्विन, यहाँ P1 का, यस समर तुम्हारा सही है बेटा, P1 का जो वैल्यू है इट इज 10 एटमॉस्फियर, यहाँ भी गैस एक्सपेंड हुआ है सच दैट फाइनली जो P2 का वैल्यू है इट इज 1 एटमॉस्फियर, और ये पहला रिवर्सिबल मैनर में हुआ है। तो जल्दी से मुझे बताना बेटा ये डेल्टा एस ऑफ गैस कितना होगा, ब्रज नासिफ नालायक कुछ भी करता रहेगा बेटा, ये वो सेम एक्सपेंशन थोड़ी हुआ है, आइसोथर्मल नहीं है बेटा, है ना। अच्छा डेल्टा एस ऑफ गैस कितना होगा जल्दी से बताओ मुझे सर, एनआर ln ऑफ P1/P2। नहीं बेटा देखो ध्रुव लद्दा का सही है, एकदम सही है बेटा, डेल्टा एस ऑफ गैस शिखर तुम्हारा भी सही है, डेल्टा एस ऑफ गैस विल बी जीरो, ये हम लोग कहीं पढ़ा भी है बेटा, क्या पढ़ा था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, भाई कोई रिवर्सिबली हीट ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, डीक्यू रिवर्सिबल अगर जीरो है तो हीट ट्रांसफर ही जीरो है बेटा, ओके सर, मतलब एंट्रोपी चेंज ही जीरो है और सराउंडिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, सराउंडिंग से अगर कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो वो जीरो है और डेल्टा एस टोटल विल बी जीरो। सो क्वेश्चन के ए पार्ट में तो कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, है ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, उसमें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज ही नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्वेश्चन का बी पार्ट लेट्स से, तो अभी बोल सकते हैं ना प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है क्योंकि डेल्टा एस टोटल जीरो है। यस बेटा कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है, तो चाहे वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो चाहे वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो, है ना। यस सर। बी पार्ट, इफ गिवन एक्सपेंशन अप टू 1 एटमॉस्फियर कैरीड आउट इंस्टेड ऑफ रिवर्सिबली, सपोज यहां इरिवर्सिबली है, इफ गिवन एक्सपेंशन up to 1 atmosphere carried out irreversibly in, you know, single stage या in single step लिख सकते हो। अगर ये single step लिखा हुआ है तो can you suggest me P external का value कितना होगा? P
बेटा बी पार्ट के लिए कैन यू सजेस्ट मी, अगर सिंगल स्टेप में 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर चला जाएगा तो पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा? 0. अबे वो तो ना लाइक फ्री एक्सपेंसर हो जाता है फिर तो, पूरा इनफाइनाइट वॉल्यूम चला जाएगा फिर तो. कैन वी से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तब तक होता रहेगा जब तक फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता है. हाँ सर, और ये कहीं लिखाया भी था बेटा कि अगर पी एक्सटर्नल इज नॉट गिवन इट कैन अज्यूम टू बी फाइनल प्रेशर P2, है ना? हाँ सर, वन एट. हाँ चलो, पहले बी ए पार्ट का आंसर लिख के हो गया है तुम लोगों का? हाँ सर. नाउ इट इज बी पार्ट. अच्छा, अब ये इर्रिवर्सिबल हुआ है ना, अब ये प्रोसेस जो हुआ है वो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है. इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का मेरे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला है क्या बेटा? डेल्टा ऑफ गैस का, डेल्टा एस ऑफ गैस कौन सा फार्मूला है? तो वही सेम रहेगा ना, डीक्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू. हां, इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू हम लोग नहीं कर सकते हैं यहां, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू इज ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. हां सर, रिवर्सिबल अपने ऊपर लिखा था ना कि वो सेम ही रहेगा दोनों के. बेटा वो तो सराउंडिंग के लिए लिखाया था ऐसा. अच्छा हाँ, सिस्टम, सिस्टम, इस सिस्टम के लिए फार्मूला तो मुझे पता है, क्या है? NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, है ना? बट मुझे P2 by P1, V2 by V1 वो सब कैलकुलेट तो करने पड़ेंगे कम से कम. हाँ यस, तो यहाँ मेरे पास स्टार्टिंग में देखो क्या क्या है. यहाँ 10 एटमोस्फियर है, 300 केल्विन है, ये 1 mole है, और हम लोग चाहते तो इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर ही लेंगे ना, PV equal to NRT. हाँ सर, PV equal to NRT. एनीवे जरूरत नहीं पड़ेगी शायद. यहां से लेकर यहां तक मैं गया हूं इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. सो इट इज इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. यहाँ मुझे एक चीज जरूर पता है कि यहाँ प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 atmosphere. और ऑब्वियसली मुझे ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल 1 रहने वाला है. टेम्परेचर, यस, मैं टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा? इसका फाइनल टेम्परेचर मुझे कैसे मिल सकता है इसका? इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का मुझे फाइनल टेम्परेचर कैसे मिल सकता है? सर सेम ही रहता है. अरे तो फाइनल वॉल्यूम कहाँ पता है? लेकिन P1/T1 is equal to P2/T2 तो कर सकते हैं ना, वो तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए होता है. रिवर्सिबल एडियाबेटिक, सॉरी एडियाबेटिक इर्रिवर्सिबल का फार्मूला लिखाया है. NCV T2 minus T1 is equal to minus P external V2 minus. Yes, yes, yes. Very good. So कहीं ऐसा मैंने लिखाया था NCV T2 minus T1 delta U should be equal to work done. और ये work done में if you remember ये formula आ गया था NR and it is P external and it is T2 divided by P2 and T1 divided by P1. यही तो है मेरे पास, डेल्टा यू शुड बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. बेटा ऐसा फार्मूला पहले भी लिखाया है और इसके बेस पर उन्होंने क्वेश्चंस भी किए हैं पहले. हाँ सर, इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक. चलो यहां पुट कर लेंगे अभी. यहां नंबर ऑफ मोल तो कैंसल्ड आउट हो गया, वैसे भी नंबर ऑफ मोल्स 1 था. इस गैस का सीवी कितना है अगर गामा का वैल्यू 5/3 है तो? 3/2. सो इट इज 3/2 आर एंड इट इज T2 minus T1 शुड बी इक्वल टू एंड माइनस आर. पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. अच्छा,
T2 का वैल्यू 1 एंड T1 का वैल्यू कितना 10। यहां से आसान है यार, R R भी कैंसल्ड आउट हो गया। फ्रॉम हेयर 3y2 t2 माइनस 3y2 t1 शुड बी इक्वल टू माइनस t2 एंड इट इज t1 by 10। t2 के दोनों टर्म एक साथ ले आए हम लोग, है ना। कितना आ जाएगा बेटा, t2 इधर आके ऐड होके 5 by 2। 5 by 2 t2 इज हाउ मच टाइम्स ऑफ t1? 16 t1 by 10 मतलब 8 by 5 टाइम्स ऑफ t1 ऐसा आ सकता है ना। यस हाँ सर। अच्छा यहां से यू नो t2 divided by t1, यहां से t2 divided by t1 कितना वैल्यू होगा इसका, t2 by t1 का 16 by 25। अच्छा चाहता तो मैं t1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, है ना। हाँ, तो वैल्यू यहाँ 300 हम लोग पुट कर सकते थे और इफेक्टिवली मुझे यहाँ T2 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। अच्छा 192 केल्विन, मतलब 192 चलो आ ही जाएगा। ये बच्चा बोल रहा है कि ये T2 का वैल्यू 192 केल्विन आ जाएगा और ये T2 का वैल्यू 192 केल्विन आ गया। यस क्लियर। अब ये टेम्परेचर मिला कैसे मिलेगा? सर बराबर है सर। बहुत अच्छा। लिख के भी हो गया है? हाँ सर। अब अगर मुझे T2 by T1 का वैल्यू, या मुझे अगर सपोज इनिशियली टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर मिल गया, तो डेल्टा ऑफ गैस फाइंड आउट करना अब आसान हो गया, देखो, है ना। हाँ सर। सो डेल्टा एस ऑफ यू नो गैस इज एन सी पी लॉन T2 by T1 प्लस यू नो एन आर लॉन P1 by P2। हाँ सर। अब मुझे P1 भी पता है, मुझे P2 भी पता है, मुझे T2 और T1 का रेशियो भी पता है, तो शुड बी इक्वल टू CP कितना हो जाएगा बेटा इसके लिए 5 by 2 R। एंड इट इज लोन ऑफ, डू यू थिंक ये आ जाता 16 by 25 T2 by T1। अच्छा प्लस R एंड इट इज नथिंग बट लेट्स से लोन 10 P1 by P2। अच्छा शुड बी इक्वल टू लेट्स से आर
डू यू थिंक ये हो जाता 5/2। अच्छा यहाँ मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशंस भी कर लो यार, है ना, मतलब ये आ जाता मेरे पास 2.303। हाँ सर उतना ही आता। And you know 5/2 into log of 16 divided by 25 plus 1 बचा बस यहाँ। हाँ सर 110 तो 2.3। और चाहते तुम लोग 16/25 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। हाँ सर उसका वैल्यू था 8। हाँ 4 log 2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं उसको हम लोग? और 5 का सब निकल जाएगा बाहर पावर। रुको पहले 16 डिवाइडेड बाई 25 और इसका जो लॉगरिथम है वो है इतना प्लस इसको मुझे 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने प्लस प्लस 1 किया तो मेरे पास आंसर आया 0.5। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314। भाई मेरे पास जो कैलकुलेटर से मैंने किया पूरी कैलकुलेशन, इससे मेरे पास आंसर आ रहा है प्लस 9.86939। आगे भी कुछ है ना, 3 है जूल्स पर केल्विन, है ना, ठीक है। मतलब वैसे भी हम लोग अगर लॉग 16 लॉग 25 फाइंड आउट कर ही लेंगे कि नहीं लॉग 2 और 3 की हेल्प से? हां सर 2 और 5 की हेल्प से, ठीक है, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। अब जल्दी से मुझे बस जल्दी से ये बता दो डेल्टास ऑफ सराउंडिंग कितना होगा इसमें? ये तो डेल्टास ऑफ गैस मिला। हां सर डेल्टास ऑफ सराउंडिंग कितना होगा? वेरी गुड समर्थ, 0। So deltas of surrounding will be zero confirmly, है ना? Yes or no? हाँ सर, heat transfer तो जो था वही होगा। सर zero क्यों होगा? बेटा heat transfer ही नहीं हुआ। अच्छा। अगर ये adiabatic process है, heat transfer ही नहीं हुआ, तो deltas of surrounding is, you know, Q actual तो zero है। हाँ सर, समझ। अच्छा delta S total, तो आई थिंक ये फिर से उतना ही हो गया भाई, माइनस 9.9 लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इसको, है ना। सो अप्रोक्सीमेटली 9.9 जूल्स पर केल्विन, है ना। कुछ डाउट्स रहेगा तो इससे पूछना मुझसे, है ना। बट हम लोगों ने अभी तक 2 क्वेश्चंस ऐसे किए जहां मैं डेल्टा एस ऑफ गैस, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल फाइंड आउट कर सकता हूं। Yes, बोलो बेटा। हर एडियाबेटिक एक्सपेंशन का सराउंडिंग का एंथैल्पी जीरो होगा? पक्का जीरो होगा, है ना? Yes, sir. और you know, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए तो सब कुछ जीरो होगा। Yes, sir. हाँ बेटा लिखे हुआ है सर। Yes, sir. Okay, so till now, यार हम लोग एंट्रोपी के बेस पे, till now हम लोग एंट्रोपी के बेस पे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, यस और नो? यस सर। अच्छा अब हम लोग एक एडिशनल टर्म यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, दिस टर्म इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी वाला। यस, गिव्स फ्री एनर्जी और इसका जो सिंबल है इट इज कैपिटल जी। तो यू नो थर्मो में 3 टर्म है बेटा नए जो तुम लोग पढ़ सकते थे, एक यू है, एक एच है
एक एस है और एक जी है, चार हो गया है ना। यू क्या है इसमें? इंटरनल एनर्जी। एच क्या है? एस क्या है? एंट्रोपी। और जी क्या है? फ्री एनर्जी। सो अभी समझ भी लेंगे, बट एज पर यू नो गिव्स फ्री एनर्जी इज कंसर्न, उसकी डेफिनेशन तो लिख लेंगे, समझ लेंगे, बट मैथमेटिकली यू नो मैथमेटिकली जी यस बेटा समर्थ गिब्स साइंटिस्ट का नाम था, हर्शल गिब्स वाला गिब्स है वो, है ना। सो जी जी एज पर डेफिनेशन इज कंसर्न इट इज एच माइनस टी एस, और यू कैन से इट इज यू प्लस पी वी माइनस टी एस, है ना, यू प्लस पी वी माइनस टी एस। सो इसका एसआई यूनिट्स क्या होने वाले हैं भाई? जूल्स। जूल्स ऑब्वियसली जो एनर्जी का यूनिट है। ये इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा? एक्सटेंसिव ही होगा। यू एक्सटेंसिव है, पीवी का मल्टीप्लीकेशन एक्सटेंसिव है, और टीएस का मल्टीप्लीकेशन एक्सटेंसिव है ना। सो यू नो जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ऐसा याद रखने के लिए याद भी रख सकते हो यू एच एस एन जी, ये सबके सब क्या है? एक्सटेंसिव सबके सब, है ना। सो जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी सिमिलर टू किसके सिमिलर? डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी इज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन इज स्टेट फंक्शन। सो ऑब्वियसली जी का एस सच बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जैसा एच या यू के सिग्निफिकेंस नहीं थे ना। हम लोग मेनली क्या सिग्निफिकेंस देख रहे थे उनके? डेल्टा, डेल्टा यू, है ना, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, है ना। सो जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हम लोग सीरियसली अब ये समझ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी क्या है, है ना। सो यू नो सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। और उसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज टू प्रिडिक्ट, टू प्रिडिक्ट यू नो स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ प्रोसेस और रिएक्शन एट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सपोज कोई भी ऐसी रिएक्शन या प्रोसेस है जो कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे है, डेल्टा जी से भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे। अच्छा एक मेथड मेरे पास क्या है? डेल्टा एस टोटल है। हाँ सर, डेल्टा एस टोटल। लेट्स से मेरे पास दूसरा मेथड गिव्स फ्री एनर्जी भी है, कैसे रिलेट होगा अभी देखो समझ भी लेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ओपन वेसल है, यू कैन अज्यूम ओपन टेस्ट ट्यूब आल्सो, और इस ओपन वेसल में इफ वी हैव दिस रिएक्शन ए ए प्लस यू नो बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ये ओपन वेसल में रिएक्शन है, थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली, है ना। प्रोड्यूसिंग पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ले लेते थे कि नहीं? हाँ सर। कि भाई ये रिएक्शन 298 केल्विन पे है, देन कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा एच कहाँ नहीं है ना। नाउ सपोज इट इज एट टी, यहां मेरे पास कांस्टेंट है, सो इट इज टी एज कांस्टेंट। डू थिंक ये अगर ओपन वेसल है तो पी इज आल्सो कांस्टेंट। हाँ सर, पी और कांस्टेंट लेते। सो पी कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट है। Do you think इस वाले केस में सराउंडिंग का प्रेशर भी कितना रहने वाला है? One atmosphere. तो ओपन वेसल है तो दोनों ही one atmosphere, one atmosphere रहेगा। Do you think सराउंडिंग और सिस्टम दोनों का टेम्परेचर भी टी ही रहने वाला है? हाँ सर। तो सपोज लिखा होता at 298 केल्विन, means
सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 298 केल्विन है, जो रिएक्शन हो रहा है वो भी 298 केल्विन पे हो रहा है ना. हेयर यू नो डेल्टा या यू नो जी, जी जो था वो था एच माइनस टी एस. सो यू नो फॉर गिवन सिस्टम सिस्टम के लिए मेरे पास क्या है बेटा, यहां डूइंग रिएक्शन बस. डू यू थिंक अगर मैं इसको ऐसा इमेजिन कर लूं कि ये मेरा सिस्टम है ना, तो डूइंग सिस्टम के लिए बस ये रिएक्शन हो रहा है मेरे पास. या सुनो मैं सिर्फ ये बोल रहा था बेटा, सिस्टम के लिए डू यू थिंक बस मेरे पास रिएक्शन है ये बस, है ना. अच्छा हाँ, यस यस, उसको ऐसे मैंने अपना यस, मैंने अपना सिस्टम बस ये रिएक्शन ले लिया है ना. सो कैन वी से फॉर गिवन सिस्टम डेल्टा जी शुड बी नथिंग बट डेल्टा एच माइनस टी एस. जी का वैल्यू पुट कर दिया एच माइनस टी एस मैंने. अच्छा, फ्रॉम हेयर कैन वी से डेल्टा जी विल बी नथिंग बट डेल्टा एच माइनस, देखो टी कॉन्स्टेंट है यहां, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं टी डेल्टा एस. यस सर. अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताना बेटा, ये डेल्टा जी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये डेल्टा जी ऑफ सिस्टम है, डेल्टा एच को मैं ये लिख सकता हूं ये डेल्टा एच ऑफ सिस्टम है. Yes. और ये भी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है ना. यस सर. मतलब सिस्टम 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 की जगह में इसको रिएक्शन 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 भी लिख सकता हूं फिर, है ना. डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन है तो यहाँ, है ना. हाँ ठीक, चलो पहले इतना जल्दी से लिख डालो, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ उसको. बड़ा सिग्निफिकेंस से पहले सब कुछ लिख लिया है ऊपर वाला पार्ट. यस अच्छा, ऐसा ही इफ आई हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. If we have to find out, let's say delta S of surrounding. थोड़े नीचे वाला पोर्शन पूरा लिख के हो गया है सर, एक मिनट. हाँ सर. सो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैन वी से एक्चुअली कितना हीट ट्रांसफर हुआ है बेटा सराउंडिंग से सिस्टम को. जीरो ना सर. अबे क्या बात कर रहे हैं, अगर हीट ट्रांसफर जीरो होता है सब कांस्टेंट है सर, तो एडियाबेटिक थोड़ी है, आइसोथर्मल है. डेल्टा यू जीरो होता है ना. डेल्टा यू भी जीरो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन हो रहा है बेटा. विद थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा एच एंड डेल्टा यू जीरो नहीं थे ना, क्योंकि वहां सिस्टम ही चेंज हो जाता था बेटा. हाँ सर. आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के लिए जीरो होगा बेटा, आइसोथर्मल रिएक्शन के लिए नहीं, क्योंकि रिएक्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज हो जाते हैं. हाँ सर. सर हो गया. हाँ तो कैन वी से ये सीधा सीधा जो Q है वहां वो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम ही तो है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर. सपोज इस रिएक्शन में कैन वी एज्यूम कि भाई ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ही तो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हुआ होगा एक्सचेंज. सर नहीं समझ में. बिल्कुल नहीं समझ. ये एंथैल्पी का क्या मीनिंग होता है जल्दी से बताओ मुझे, डेल्टा एच का क्या मीनिंग है इस रिएक्शन के लिए. चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन. चेंज इन हीट, वो कैसे चेंज होगा, सिस्टम किसके साथ चेंज करेगा हीट. सराउंडिंग.
सराउंडिंग के साथ ना, तो जैसा अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता, जैसा अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता तो सिस्टम को उतना हीट मिलता कि नहीं मिलता? हाँ यस सर। और सराउंडिंग से उतना हीट निकलता कि नहीं निकलता? यस सर। हाँ सर, निकलना तो पड़ता कि सराउंडिंग से उतना हीट निकल गया है भाई जितना सिस्टम को मिल गया है। अच्छा हाँ सर। अच्छा, डिवाइडेड बाई टी ऑफ सराउंडिंग, जो टी है जो सिस्टम का ही टेम्परेचर है ना। यस। तो यू नो ये मेरे पास सपोज एक इक्वेशन में ऐसा लिख लेता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन वन है, डेल्टा ऑफ सराउंडिंग मिल चुका है। अब मैं चाहता तो डेल्टा एस टोटल भी फाइंड आउट कर ले हम लोग यहाँ। डू यू थिंक डेल्टा एस टोटल विच इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक ये बन जाता डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। हाँ सर। अच्छा, यहां से फर्दर देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। मैंने टी से सब जगह मल्टीप्लाई कर लिया है, देखो माइनस टी से बेसिकली है ना। नाउ यू नो सपोज ये मेरे पास इक्वेशन टू है, इफ यू कंपेयर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, दोनों का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है क्या? यस सर। दोनों का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर भी हुआ है ना सब ये, इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। सो इट इज फ्रॉम यू नो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। ऐसा लिख के हुआ है, नो सर। अच्छा जल्दी से लिख डालो। हाँ सर हो गया। मुझे ऑलरेडी स्पॉन्टेनियसिटी का क्राइटेरिया पता है डेल्टा एस टोटल के टर्म्स में, तो जल्दी जल्दी मुझे बताना, इफ डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल टू नेगेटिव या डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज पॉजिटिव एंड इफ डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज जीरो। फर्स्ट वाले केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। यहाँ हो जाता ये स्पॉन्टेनियस, यहाँ क्या हो जाता नॉन स्पॉन्टेनियस, और यहाँ हो जाता ये लेट्स से इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन को जीरो किया था कि नहीं एट इक्विलिब्रियम? नहीं सर, डेल्टा जो भी सीखे। अच्छा ठीक है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नेगेटिव, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पॉजिटिव, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। जैसा एक एग्जाम्पल मैं समझा दूंगा अभी।
जैसा फॉर एग्जाम्पल फॉर मेल्टिंग या वेपोराइजेशन देख लेते हैं, फॉर वेपोराइजेशन देख लेते हैं, फॉर वेपोराइजेशन ऑफ यू नो वन मोल ऑफ वाटर, फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर एट वन एटमोस्फियर, कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन क्या होने वाला है, H2O लिक्विड इज कन्वर्टिंग टू यू नो H2O वेपर, यही है बेटा, वन मोल ऑफ H2O लिक्विड वन H2O वेपर में कन्वर्ट होगा वन एटमोस्फियर पे, है ना? हाँ सर। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सपोज एट टेम्परेचर टी हो रहा है ये, है ना, एट टेम्परेचर टी, तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर है, और मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं फिर डेल्टा जी वेपोराइजेशन डेल्टा एच वेपोराइजेशन डेल्टा एस वेपोराइजेशन इस रिएक्शन के लिए। हाँ सर, ठीक है, लो इतना लिख लो, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे हम लोग। सर वेपराइजेशन ही क्यों? अबे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तू अपने हिसाब से कोई और एग्जांपल बता देता है बेटा। नहीं, मैंने चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का भी वेपराइजेशन ही कम क्यों काउंट कर रहे हैं? इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, वेपराइजेशन ही हो रहा है ना? अच्छा हाँ 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 वेपराइजेशन है वैसा बोल। हाँ सर समझा, जो प्रोसेस हो रहा है उसके नाम से डिफाइन कर लिया बस। यस सर। हाँ, इतना लिख के हुआ है, हाँ बेटा इतना लिख लिया, एक सेकेंड। यस सर। अच्छा, यू नो इफ इफ टी इक्वल टू 373 केल्विन, है ना, इफ टी इक्वल टू 373 केल्विन, यहां डेल्टा जी ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा, जल्दी से मुझे बताओ। वाटर के लिए अगर ये टी 100 डिग्री सेल्सियस है, 373 केल्विन है, तो डेल्टा जी वेपोराइजेशन कितना होता है? लेट्स से ये इसका हम लोग ए पार्ट समझ रहे हैं। वेरी गुड वैष्णवी शेट्टी, डेल्टा जी वेपोराइजेशन कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस वन एटमोस्फियर H2O लिक्विड कन्वर्टिंग टू H2O वेपर। अरे बता सकते हो यार बाकी बच्चे भी? बेटा डेल्टा जी जीरो। यस हर्षवर्धन भाई, 100 डिग्री सेल्सियस वन एटमोस्फियर H2O लिक्विड H2O वेपर इक्विलिब्रियम में नहीं होते? अरे ये तो बहुत पहले से पढ़ते आते हैं। हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ H2O लिक्विड विल बी एग्जैक्टली सेम एज gives free energy of H2O vapor. Sir, gives free energy का definition क्या है? अबे अभी तो बोला था H minus TS. अच्छा। तो
एच माइनस टी एस मीन्स एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी उस टेम्परेचर पे लिक्विड का एंड वेपर का सेम हो जाएगा, तो ही तो जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ही नहीं होगा ना इसका मतलब फिर, क्योंकि तो दोनों का गिब्स फ्री एनर्जी सेम हो जाएगा। यह सुनो, और देखो अगर मैं यहां फार्मूला भी पुट कर दूं तो डू थिंक जीरो इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन माइनस 373 एंड डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन बनेगा कि नहीं? हाँ सर। और देखो ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 373। हाँ सर। यूज किया है हम लोग ने पहले भी ये? हाँ सर। इससे रिलेटेड ए पार्ट समझा कि नहीं तुम लोगों ने? सर हम लोग फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके गिव्स एनर्जी जीरो नहीं ला सकते। गिव्स फ्री एनर्जी जीरो नहीं है भाई, डेल्टा जी जीरो है, ध्यान से देखो। अच्छा हाँ बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी जीरो नहीं है, है ना? हाँ। ये तो पक्का पक्का नॉन जीरो ही होगा बेटा, है ना? यस सर। दोनों इक्वल हो गया है, डेल्टा जी जीरो हो गया है बेटा। यस सर। थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है इसलिए मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझो उसको। ए पार्ट समझ के हुआ है तुम लोगों का? यस सर। चलो मैं इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूं। इफ वी हैव बी पार्ट, इफ टेम्परेचर इज लेट्स से मोर देन 373 केल्विन, है ना, इफ टेम्परेचर इज मोर देन लेट्स से 373 केल्विन, अगर टेम्परेचर मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, मेरे पास अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा बेटा, है ना, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इट मींस इस इंस्टेंट पे किसका गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है बेटा, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट नहीं भाई, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का ज्यादा होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा प्रोडक्ट बनते समय। यस सर। नहीं? हाँ सर। हाँ, और ऑब्वियसली देखो मैं यहां से प्रूव भी कर लेता ये टेम्परेचर, मतलब इस वाले केस में डू यू थिंक ये जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा मोर देन डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा एस वेपोराइजेशन? हाँ सर। इस वाले केस, अरे बेटा इसमें बस क्या करना था, गिब्स फ्री एनर्जी को लेस देन जीरो कर देना और यहां से टी का वैल्यू सॉल्व कर ले यार, उसमें क्या है ना। So, T more than delta H of vaporization divided by delta S of vaporization नहीं आ जाएगा? नहीं? हाँ सर। अच्छा, इसी का C part, if temperature is less than 373 Kelvin, 100 degree Celsius से कम temperature पे वाटर का वेपोराइजेशन या वाटर का बॉइलिंग यू नो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। सो डेल्टा जी ऑफ वेपोराइजेशन विल बी पॉजिटिव, इट मींस कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है लिक्विड का उस इंस्टेंट पे, है ना, H2O लिक्विड का जो गिव्स फ्री एनर्जी है इट विल बी लेस देन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ H2O वेपर, है ना, तो जब वो H2O लिक्विड H2O वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ेगा। और यहां भी यू नो टेम्परेचर उल्टा हो जाएगा, बस यहां जो टेम्परेचर है इट शुड बी लेस देन डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा एस वेपोराइजेशन।
आज देखो तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे यहाँ से। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है बेटा, है ना, एकदम ही चिंदे चिंदे टाइप से क्वेश्चंस है। सर वो चिंदी चिंदी टाइप की हार्ड गिर जाता है हमको, नहीं गिरेगा, है ना। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा तो नहीं गिरेगा, देखना है ना। हां हेमंत सर क्या आदत चिंदी। ओके चलो ये लिख के हो गया इतना। हाँ सर ठीक है, कुछ थोड़ा सा हम लोग और भी समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। हेयर वी नो डेल्टा जी is nothing but delta H minus T delta S. Case one क्या है? Let's say case one. If delta H भी positive है, और let's say delta S भी suppose positive है. एंथैल्पी भी पॉजिटिव है और एंट्रोपी भी पॉजिटिव है ना। चेंज इन एंथैल्पी भी पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी इज आल्सो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, यू नो एक एग्जांपल तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, यू नो वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, या यू नो यू कैन से इट इज फ्यूजन ऑफ आइस। Do you think दोनों के दोनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं और दोनों में ही एंट्रोपी इंक्रीज होगा कि नहीं? एक में सॉलिड से लिक्विड बनेगा और एक में लिक्विड से गैस बनेगा, दोनों में एंट्रोपी बढ़ेगा कि नहीं? हाँ। अच्छा अब जल्दी से मुझे बताना बेटा, ये टर्म पॉजिटिव है, डू यू थिंक ये टर्म नेगेटिव बन जाएगा माइनस टी डेल्टा एस? So this reaction is spontaneous at low temperature or high temperature? Low temperature. तुम लोगों को है ना, तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव, और डेल्टा जी को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो टी शुड बी हाई और लो? हाई, हाई, such that negative वाला टर्म डोमिनेट कर जाए यार पॉजिटिव वाले टर्म पे। यस सर। ओके। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है ये केस वन? जैसा फ्यूजन ऑफ आइस विल बी स्पॉन्टेनियस इफ टेम्परेचर इज मोर देन 0 degree Celsius, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज स्पॉन्टेनियस ओनली इफ टेम्परेचर इज मोर देन 100 degree Celsius, है ना? यस। नाउ केस टू, केस टू इज इफ यू नो डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव, मीन्स एंथैल्पी भी नेगेटिव है और एंट्रोपी भी नेगेटिव है। एग्जाम्पल्स बताऊं दोनों इसके उल्टे ही हो सकते हैं शायद। एक तो हो जाता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर और एक कंडेंसेशन ऑफ वेपर, है ना। डू यू थिंक इस वाले केस में ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव? यस सर। सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। So you know reaction is spontaneous only at you know low temperature. Yes or no? हाँ सर। अच्छा let's say case three. If delta H is negative and delta S is positive. मेरे पास any temperature, any temperature. Delta H negative हो जाए और delta S positive हो जाए, है ना? So reaction is spontaneous at any temperature. Always. So always spontaneous. Always ना सर, वही वही।
so always spontaneous. And let's say suppose case 4 aisa ho jaye, if delta h is positive and delta s is negative, फिर क्या होता? Never. Always. Possible. Always. Non-spontaneous. Always non-spontaneous. Yes, ये process कभी spontaneous होगा ही नहीं, है ना? तो अपने आप से लिख लोगे बेटा, वो हमेशा non-spontaneous है? Yes, sir. ठीक, मैं फिर से बताऊँ बेटा, simple चीज समझना है मुझे, बस Gibbs free energy पहले मुझे इतना समझना है कि इससे मैं predict कर पाता हूँ कि process spontaneous है कि non-spontaneous है, है ना? डेल्टा जी और जो मेरे पास सिलेबस में है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ही है बस, है ना? पूरा थर्मोकेमिस्ट्री देख लो, अभी तक उन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया है, तो आई थिंक पूरा का पूरा रिएक्शन किसी एक ही टेम्परेचर पे कराते थे ना हम लोग? हां सर, यस सर। सो एज पर जेई सिलेबस इज कंसर्न, पूरा का पूरा कोई भी अगर रिएक्शन की बातें हो रही है तो एट ए गिवन टेम्परेचर टी ओनली, है ना? फिर से बोलिए ना। अच्छा देखो, ये हर्षवर्धन बोल रहा है कि एग्जाम्पल 3 का कोई एग्जाम्पल दे दो। अमोनियम डाइक्रोमेट पता है तुम लोगों को क्या होता है कंपाउंड? अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है पता है? अमोनियम डाइक्रोमेट NH3C2। हाँ मतलब फार्मूला तो पता है, जो 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 यू नो अनार बम रॉकेट में सब जगह यूज होता है, उसमें जैसी आग लगाते हैं बस हम लोग को इग्नाइट करने की जरूरत पड़ती है, या जैसे हम लोग ना इग्नाइट करने की जरूरत पड़ती है, या यू नो बर्निंग ऑफ कोल। हाँ सर, कोल के जलाने से डू यू थिंक गैसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ। तो अगर गैस बनेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। हाँ सर, और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। हाँ सर, तो केस 3 के लिए लिख सकते हो तुम लोग बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ वुड, है ना? नहीं। और केस 4 के लिए लिख सकते हो आयरन कन्वर्टिंग टू गोल्ड, है ना? उसमें क्या परेशानी? वो कभी नहीं होता है ना। समझ लिया बेटा ये ऐसा? हाँ सर। चलो जल्दी से सेकंड सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो ही एक ही सिग्निफिकेंस पढ़ा है, सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी। सेकेंड सिग्निफिकेंस सिर्फ देखना है, उसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और लिखना है ऑब्वियसली। सपोज इन ए गिवन टेस्ट ट्यूब वी हैव सम रिएक्शन, ओपन वेसल में यूजुअली हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना, सो केमिस्ट्री में वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हुआ और यही हम लोग का सिस्टम भी है ना। सो कैन वी से फॉर गिवन रिएक्शन, for you know given reaction, for given reaction do you think ये open vessel में है तो इसको मैं ऐसा लिख लूं, pressure will remain constant and you know at temperature of T, let's say किसी एक constant temperature पे reaction हो रहा है, let's say ना, so for a given reaction can we say G will be nothing but U plus PV minus TS? हाँ सर। तो ये तो जनरल फार्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब सपोज अगर मैं लिखना चाहूँ DG, do you think DG should be equal to DU plus PdV plus VDP minus SDT minus TDS, complete differential? मैं product rule लगा लिया? Yes sir। सब pressure तो constant था ना? अभी देख लेंगे बेटा, सब कुछ उसको zero put कर देंगे, उसमें क्या है ना? हाँ तो ठीक है। अच्छा ये term क्या है? Zero। और ये term क्या है? Zero। या सुनो। हाँ सर। तो दो टर्म को जीरो पुट कर देते हैं। सर अपना डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हो तो बता। मतलब किसी भी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जो किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो उसको। जी वॉल्यूम।
वॉल्यूम के, चलो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर दो, देखो तो डी जी वाई डी वी, डू यू थिंक ये हो जाता डी यू वाई डी वी प्लस पी डी वी वाई डी वी प्लस वी डी पी वाई डी पी माइनस टी डी एस वाई डी वी माइनस एस डी टी वाई डी वी, ऐसा लिखूंगा? हाँ सर। और फिर मैं डीवी से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड। ओके तो ऐसे ही, तो ऐसे ही बचेगा कि नहीं? हाँ सर ऐसे ही बचेगा। चल बढ़िया, इसको हटाते हैं। सो मेरे पास जो टर्म बचा, इट इज नथिंग बट लेट्स से डी जी शुड बी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस। ये टी डी एस क्या होता है, ये कहीं सुना सुना होना चाहिए तुम लोगों को। हाँ सर, वो डेल्टा जी और डी क्यू रिवर्सिबल है। डी क्यू रिवर्सिबल भाई मेरे पास, यस सर, एंट्रोपी का फॉर्मूला। डी एस वही डिफाइन करते थे ना, बट डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ds is dq reversible by t, है ना? तो tds की जगह dq reversible आ गया। yes sir। अच्छा, should be equal to du plus it is pdv according to first law of thermodynamics, can we say it is nothing but du w minus dw reversible? हाँ sir, yes sir, pdv should be equal to it is du plus it is PDV। अच्छा, ये जो DU है वो स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो चाहे वो रिवर्सिबल मैनर में हुआ हो या इररिवर्सिबल मैनर में हुआ हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ सर। इसको मैं ऐसा लिख लिया फर्स्ट, देखो यहां से भी DU एंड DU कैंसिल्ड आउट हो गया। कैन वी फर्दर इक्वल टू, कि आ गया मेरे पास PDV प्लस, ये जो DW रिवर्सिबल था उसको ब्रेक करके मैं दो पार्ट में लिख लेता हूं। DW यूजफुल एंड DW यूजलेस नहीं लिखूंगा मैं, नॉन यूजफुल लिखूंगा, है ना? सो नॉन यूजफुल, नॉन यूजफुल हम लोग समझ भी लेंगे इसमें यूजफुल वर्क क्या है और नॉन यूजफुल वर्क क्या है। ये जो नॉन यूजफुल वर्क है मेरे पास यहां, एक्चुअली ये पीवी वर्क है, और ये जो वर्क है यू कैन से इट इज नॉन पीवी और यू नो इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क। मैं समझाता हूं बेटा क्या है, है ना? जैसा डू यू थिंक, जब मैं टेस्ट ट्यूब में, केमिस्ट्री लैब में जब मैं टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराता हूँ, तो डू यू थिंक रिएक्शन में एक्सपेंशन कंप्रेशन भी होता ही होगा ना? गैस रिलीज हुआ नहीं हुआ डिपेंडिंग, है ना? तो ये जो एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है टेस्ट ट्यूब में, उस वर्क को हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं क्या? नहीं। या जैसा सपोज मोबाइल बैटरी, जो तुम्हारे पास बैटरी है, डू यू थिंक जब वो चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं? हाँ। तो उस केमिकल रिएक्शंस मतलब सपोज जो बैटरी, जब बैटरी काम कर रहा है तो बैटरी जो काम करता है वो पीवी वर्क करता है कि नॉन पीवी वर्क करता है? नॉन पीवी। नॉन पीवी। जो हम लोग का माइंड काम कर रहा है वो पीवी वर्क है कि नॉन पीवी वर्क है? जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में पढ़ रहे थे, गैस का एक्सपेंशन कंप्रेशन जो वर्क हम लोग फाइंड आउट अभी तक कर रहे थे। अरे पी डेल्टा वी इंटीग्रल, समझ गया, मतलब ये जो पीवी वर्क है इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ यू नो एक्सटर्नल डी वी, है ना? ये है ना पीवी वर्क। यस सर। और ये वर्क यहाँ नॉन परफेक्ट। अच्छा, फर्दर कैन वी से डी जी शुड बी इक्वल टू, ये मेरे पास पी डी वी है प्लस, मैं अब ऐसा लिख लू या सिंपली बस डी डब्ल्यू यूजफुल एंड देन प्लस। बेटा यह पीवी वर्क क्या है, पीवी रिवर्सिबल वर्क क्या होता है? माइनस पीडीवी।
The PV work reversible process में क्या होता है? Minus PDV ना? देखो कितना अच्छा सा, ये भी और ये भी cancelled out हो गया। इतना जल्दी से लिख डालो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको याद रखेंगे ना सब लोग, है ना? लिखे हुआ ऐसा सर, पर हम लोग ने उसको उसे डिवाइड ही किया सर, W रिवर्सिबल को दो वर्क में, क्योंकि भाई जब रिएक्शंस होगा या कोई भी प्रोसेस होगा तो बड़ा पीवी वर्क भी हो सकता है, नॉन पीवी वर्क भी हो सकता है, है ना? तो मैंने वर्क को दोनों पार्ट में डिवाइड कर लिया, अभी इसमें क्या है? सो फ्रॉम हेयर डू यू थिंक मेरे पास बस ये बचा, डीजी इक्वल टू DW useful, बाकी सब तो कैंसिल्ड आउट हो गया, यस नो? यस सर। और बस मैं इतना लिख सकता हूं कि ये जो भी DG मैंने फाइंड आउट किया है वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में फाइंड आउट किया है ना, अदरवाइज तो और अदरवाइज तो और भी टर्म आते कि नहीं आते इसमें? हाँ सर आते हैं। अच्छा, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, देखो है ना, अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या बन जाता? डेल्टा जी। डेल्टा जी, वेरी गुड। डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या बन जाता सर? डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन डब्ल्यू, टोटल टोटल वर्क बेसिकली, है ना? और ये यूजफुल वर्क क्या है? पीवी वर्क है कि नॉन पीवी वर्क है? नॉन पीवी। नॉन पीवी, तो हम लोग एक डेफिनेशन गिब्स फ्री एनर्जी की और लिखते हैं, और मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से और समराइज करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। क्या है? दस गिव्स फ्री एनर्जी कैन आल्सो डिफाइंड लोग नहीं दिख रहा है, ग्रीन में जो लिखा है मैंने सर अभी देखा, वो भी दिख रहा है ना सर? Gibbs free energy can also defined as energy of system, you know, which is free to convert, which is free to convert into useful work. ये वो energy है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, है ना? ये वो एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू नो, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी करते समय बैटरी ने सिस्टम ने वर्क किया है कि हम लोगों ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया होगा? क्या सर? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी होते समय बैटरी ने वर्क किया है कि हम लोगों ने बैटरी के ऊपर वर्क किया होगा? बैटरी ने वर्क किया है। तो डू यू थिंक बैटरी ने वर्क किया है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल वर्क का साइन है वो नेगेटिव लोगों की पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है?
नेगेटिव नेगेटिव तो डेल्टा जी जो भी उसके अंदर रिएक्शंस हुआ है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है नेगेटिव एंड इट इज स्पॉन्टेनियस सो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी अच्छा डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वही अगर मैं उसका उल्टा इमेजिन करने की कोशिश कर लूं लेट्स से चार्जिंग ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी बैटरी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा तो डू यू थिंक डब्ल्यू यूजफुल विल बी पॉजिटिव डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव उसके अंदर जो रिएक्शन होने वाले हैं उनका गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग बढ़ाएंगे है ना और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा हमने समझा है ऐसा yes, sir. तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का मीनिंग क्या है वो समझा कि नहीं थोड़ा बहुत थोड़ा गिब्स फ्री एनर्जी क्या है वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ सर तो जी का मीनिंग समझने की जरूरत नहीं था मोर ऑफ लेस हम लोग को डेल्टा जी समझना है ना चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है ना नेक्स्ट टॉपिक लिख के हो गया इतना यस सर ओके नेक्स्ट टॉपिक इज हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ सकते हैं या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ लें भाई पहले कार्नोट साइकिल साइकिल 10 मिनट में नहीं होगा है ना ठीक सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं ना थर्ड लो ऑफ थर्मो थर्ड लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छा फर्स्ट लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना अच्छा सेकेंड लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ द प्रोसेस है ना मतलब डेल्टा इज टोटल पॉजिटिव होना चाहिए जीरोथ लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है जीरोथ लो वो क्या होता है सर अच्छा अलग तुम लोगों ने बुकलेट ही सॉल्व नहीं किया इसका मतलब जीरोथ लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है सिस्टम ए अगर बी के साथ इक्विलिब्रियम में है बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो सी ए के साथ इक्विलिब्रियम में होगा है ना चलो मैं अरे ऐसा आसान सर ट्रांजिटिविटी चलो पहले मैं थर्ड लो का डेफिनेशन लिखाता हूँ फिर तीनों जल्दी रिवाइज करा दूंगा है ना उसका नाम गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी का सिग्निफिकेंस बस ये समझो ठीक है नहीं समझ रहे सर वो डेल्टा भी होता है क्या डेल्टा जी क्या होता है यह देख बहुत ज्यादा समझने की जरूरत तो नहीं थी बट तू अगर जिद करेगा तो मैं कुछ बोलूंगा तेरे लिए है ना रुको एक मिनट रुकना बेटा ना फ्री एनर्जी एक मिनट रुकना अभी कुछ दे देता हूं तुझे रोकना है ना मैं जिन बच्चों को थोड़ा सा जिद है कि उनको गिब्स फ्री एनर्जी समझ के ही रहना है उनके लिए मैं ग्रुप पे मैं कुछ भेज रहा हूँ देखो है ना तो भी हाँ सर मिल गया
एक बार एंथैल्पी के लिए भेजा था कि नहीं भेजा था ऐसा सर, कुछ भेजा। उसको जान लेना एज पर जेई सिलेबस थर्मो किस कंसर्न, तुम्हें बस उतना समझना है कि जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यार, डेल्टा जी मुझे समझना है बेसिकली बस, है ना। वो अभी आएगा, एकदम टेंशन नहीं लो, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ना बाकी रह जाएगा बेटा थर्मो, है ना। ओके थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज यू नो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्टली यू नो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि यार जीरो केल्विन पे जाके सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, नो रैंडमनेस इन द सिस्टम, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, है ना। अच्छा तो किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंट्रोपी जीरो हो जाएगा एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। अच्छा बाई यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू नो एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस या परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन वी फाइंड आउट। अच्छा परफेक्टली क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? तो कुछ ऐसा पढ़ा है अमोर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कुछ नाम सुना है सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जहां पार्टिकल्स आर पैक्ड इन ए फिक्स्ड एंड रेगुलर पैटर्न। अमोर्फस सॉलिड का मतलब होता है जहां पार्टिकल्स रैंडमली प्लेस्ड है ना। परफेक्ट क्रिस्टलाइन मींस उसमें अमोर्फस का कोई ब्लेंड है ही नहीं, इट इज परफेक्ट सॉलिड बेसिकली, है ना। हां सर, डायमंड जैसा। डायमंड भी 100% क्रिस्टलाइन नहीं होता है, सो 100% क्रिस्टलाइन जस्ट ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। अच्छा थियोरेटिकल, बट डायमंड इज फेयर एनफ क्रिस्टलाइन, है ना। ओके सो यू नो सॉलिड कैन बी फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग कुछ पढ़ पता है ऐसा कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट, मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको T1 से लेके T2, और यहां में मोलर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बेटा यू नो CpdTT। ये कहां से आया मेरे पास फार्मूला? बेसिकली DQ रिवर्सिबल YT, DQ को मैंने क्या लिख लिया NCpdT, है ना। यही फार्मूला होता था कि नहीं? हां सर। अच्छा इसको फर्दर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ST2 minus T1, ये T1 से लेके T2 CpdTT। नाउ इफ T1 इक्वल टू जीरो, ST1 का वैल्यू क्या हो जाता? जीरो। जीरो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो कैन वी से एंट्रोपी इन जनरल मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, जीरो से टी सीपी डी टी वाई टी। हाँ
किसी भी टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी है ना, yes, किसी भी टेम्परेचर पे एंट्रोपी में ऐसा फार्मूला लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। और याद है लास्ट क्लास में तुम लोग कहीं ऐसा लिखाया था, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीपी। हाँ सर। कि जितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उसका सीपी का वैल्यू उतना गंदा होगा, और यू नो उतना ही एंट्रोपी ज्यादा होगा, है ना। चलो एक टिपिकल क्वेश्चन भी करना है इसके बेस पे इतना लिखने के बाद। बेटा क्लास में सारे बच्चे रहना और थोड़ी देर मैं बताऊंगा होमवर्क अब क्या क्या करना है ना। नेक्स्ट वीक में जब लोग ट्यूसडे लेक्चर लेंगे पूरा थर्मो खत्म ही हो जाएगा। ओके सर। हाँ सर। सर फिजिक्स में थर्मो में कितना आएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अलावा कुछ नहीं? वो सब डिटेल में है, मतलब फर्स्ट लॉ में जैसे जो हम लोग ने बहुत छोटा छोटा कर लिया ना, छोटा छोटा मीन्स कैलोरीमेट्री को बस हमने लिख लिया, टेम्परेचर चेंज ये है ना। अब उसमें कैलोरीमीटर नाम का एक पूरा चैप्टर है ना, जैसा हम लोग ने केटीजी बस केटीजी हम लोग ने एक छोटा टॉपिक नहीं पढ़ा था बस। हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना आ जाएगा। हाँ, उसमें वो उसमें एक पूरा वो चैप्टर ही है। हाँ, सर। फिर उसमें हाँ, वो सब भी ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ, उसमें वो सब भी है, हीट ट्रांसफर ना, जैसे कंडक्शन रेडिएशन फिर हीट ट्रांसफर का रेट वो सब, मतलब फिजिक्स वाले में ना सर। हाँ फिजिक्स वाले। सर पूरा पोर्शन कब तक खत्म होगा? जुलाई तक। आईटी होने से पहले हो जाएगा, टेंशन ले लो। चलो इतना लिख लिया। हाँ सर। भाई देखो पोर्शन की टेंशन नहीं है बेटा, पोर्शन तो हम लोग कल खत्म कर दें बेटा, तेरा करके तो हो। मेरा सर होता है ना दो चैप्टर। या दो चैप्टर पीछे कि पीछे? हाँ थोड़ा वही, मतलब अल्टीमेटली सिलेबस खत्म करने का एम नहीं है ना। सिलेबस या जुलाई के जगह अगस्त में चला जाएगा, सितंबर में चला जाएगा, बट साथ में तुम्हारा भी तो कर करके होता रहे। हाँ सर। हाँ सर, इतना जल्दी जुलाई अगस्त? हाँ मतलब सितंबर तक तो 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, आधा हो तो क्या? आधा हो गया सर अब तक। एग्जैक्टली आधा नहीं बोलेगा, आधे से थोड़ा कम है, बट यू नो 11th क्लास ज्यादा टफ होता है 12th क्लास के कंपैरिजन में। सच्ची सर? हाँ सच्ची सर, वो तो 12th में आने के बाद। जैसा जैसा सीबीएसई में 9th क्लास ज्यादा टफ था ना 10th क्लास के कंपैरिजन। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा सीबीएसई के अकॉर्डिंग इफ यू सी 11th क्लास ज्यादा टफ होता है 12th क्लास। हाँ सर, क्रिसमस की गिफ्ट आज ही दे दी आपने तो। अच्छा चलो ये लिख लिया आगे। हाँ सर लिख लिया। एक एक क्वेश्चन यहाँ लिखना मेरे लिए। क्वेश्चन इज इफ सीपी ऑफ सीपी फोर you know perfectly crystalline solid is you know a t cube, you know kuch bhi let's say is a t cube joules per mole per kelvin, where t obviously temperature in terms of kelvin hai aur a koi constant hai. If its value, if cp ऐसा लिख सकते हो, if cp at 10, if cp at you know 10 kelvin is 0.42 joules per mole per kelvin, find out entropy at 10 kelvin. लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं 0.42 यू नो जूल्स पर केल्विन, यू नो बी ऑप्शन इट इज 0.14 जूल्स पर केल्विन, सी ऑप्शन 0.28 जूल्स पर केल्विन, एंड डी ऑप्शन में एक और है इज 0.21 जूल्स पर केल्विन।
सर ए के टर्म्स में नहीं आएगा, ए के टर्म्स में नहीं आएगा, ए का तो हम लोग चाहते तो वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, मतलब ए के टर्म्स में नहीं है बेटा आंसर, है ना। यस देवांश परमार, तेरा आंसर सही है बेटा। विराज नहीं बेटा, तेरा आंसर सही नहीं है। ये देखो कुछ ऐसा कर सकते हो, यू नो एंट्रोपी का फार्मूला मेरे पास है जीरो से लेके टी। यशमी तुम्हारा आंसर सही नहीं है, ध्रुव लद्दा तुम्हारा आंसर सही है बेटा, है ना। सीपी डी टी वाई टी है कि नहीं है फार्मूले में, है ना, मोलर एंट्रोपी। सर मैं टाइप नहीं कर सकता, बोलू क्या? हाँ बोलो। बी, हाँ बी ऑप्शन है, और एक आसान सा मेथड क्या है, बस यहाँ सीपी का पहले वैल्यू ही पुट कर दो, है ना। सो यहाँ मेरे पास आ जाता इंटीग्रेशन, डू थिंक जीरो से टेन है अभी इफेक्टिवली टी का वैल्यू। हाँ सर, सीपी का वैल्यू है ए t क्यूब डिवाइडेड बाई t एंड डी टी। यस नो? यस सर। इसका इंटीग्रल डू थिंक ये आ जाता मेरे पास जीरो से लेके टेन। यस समर, तेरा आंसर सही है बेटा, ये आ जाता ए टी स्क्वायर डी टी, है ना। एंड डू थिंक ये आ गया मेरे पास इंटीग्रल ए t क्यूब डिवाइड बाई थ्री, जहां मुझे जीरो से लेकर टेन का वैल्यू पुट करना है। यस सर। अच्छा t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। हाँ। और t इक्वल टू टेन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.42, वो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। यस। तो 0.42 डिवाइडेड बाई थ्री एंड 0.14 जूल्स पर केल्विन मेरा आंसर आ जाता है ना। मैं दूसरा मेथड भी था कि भाई मैं पहले ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, है ना। हाँ सर मैंने वही किया। हाँ बट वो थोड़ा लंबा पड़ा होगा इससे, है ना, थोड़ा सा। बेटा क्वेश्चन समझ के हुआ कि थर्ड लो पे किस टाइप का कुछ बन सकता है? यस सर। तो मैं थोड़ा सा फिर से याद दिलाता हूँ, फर्स्ट लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सेकंड लो स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ द प्रोसेस है, थर्ड लो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी है, और जीरोथ लो का मीनिंग बड़ा आसान सा होता है कि अगर सिस्टम ए इक्विलिब्रियम में है सिस्टम बी के एंड सिस्टम बी इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के, इट ऑलवेज इंप्लाइज दैट सिस्टम ए एंड सी विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। ये तो आसान लग रहा है कि नहीं? अरे मैथ में a equal to b, b equal to c, ट्रांजिटिविटी, बस बस वैसा ही कुछ। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ठीक है। चलो मैं पहले होमवर्क बताता हूँ a को लेक्चर में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, और बुकलेट से क्या क्या तुम लोग होमवर्क अब कर सकते हो वो देखना अभी, है ना। न्यू ईयर पे तुम लोगों को मॉड्यूल 4 भी मिल जाएगा प्रिंटेड, है ना। हाँ सर, थैंक यू सर। और सर न्यू ईयर पे कभी ड्रॉ करना है सर, कलरिंग करना है क्या? नहीं नहीं कलरिंग नहीं करना है, वो मेरे बच्चे करते रहते हैं, रुको। बच्चे सर तो कभी आपने ट्राई किया है कि नहीं क्या कलरिंग? अरे आधा काम तो मुझे काम सर नहीं करते, अरे आधा काम मुझे उनके स्कूल का मुझे ही करके भेजना पड़ता है भाई। सर भी डिटेल। सो
अच्छा ये बेसिक बेसिक इसमें फाउंडेशन बिल्डर में है ना सर, इसका 1 to 12 हो गया था, 1 to 19 हो गया था। और अब देखो ये क्वेश्चंस भी करने हैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 से, क्योंकि मैं सब समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जितना डिफिकल्ट समझ रहे हो उतना है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो देखो एक बार तुम लोग, है ना। एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, क्या आंसर आएगा उसका? सी। सी बस, तू तेरे लिए सब कुछ टफ है बेटा, तू छोड़ दे लाइफ में, है ना। अच्छा चलो, ऐसा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर तुमने टिकी कर रखा है यहाँ, बट उसमें डायरेक्ट फार्मूला था वो, है ना। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो कितना डिफिकल्ट है, उसमें फार्मूला ही पूछा हुआ है भाई, है ना। क्या होने वाला है, किसी एक्सोथर्मिक चेंजेस के लिए क्या होने वाला है ना। सब क्वेश्चंस ऐसे ही है। हाँ, अरे मैं बता दो ना, ये देखो 20 सर मेंस में भी ऐसे आने चाहिए सर, ऐसे ही होते हैं भाई इसके, मतलब थर्मो के क्वेश्चन सेकंड लो ऑनवर्ड जो रिलेटिवली पढ़ना टफ था बेटा, है ना, उसके क्वेश्चन आसान। अच्छा तो अभी फाउंडेशन, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव है ना, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव अब पूरा करना है तुम लोगों को, है ना। ओके सर। हां सर, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव अब पूरा करना है, ये वाला भी है ना, 82 से 87 सब खत्म करना है। अच्छा हां, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव खत्म करना है, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में तो और भी आसान है सर, ऑब्जेक्टिव तो आने दो। क्यों सर, उतने में सर आपका 2 लेक्चर आ जाएगा सर, सच्ची सर। चलो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव पूरा ही खत्म कर डालो अब जा। हाँ सर, नेक्स्ट वीक में सब्जेक्टिव सर। नहीं नहीं, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा, और असाइनमेंट भी शेयर कर दूं थर्मोडायनेमिक्स का कि नहीं? यस सर। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है, और वैसे भी असाइनमेंट तो यू नो ऑप्शन होता है, बुकलेट कंपलसरी है सबके लिए। हाँ सर, हम लोग असाइनमेंट को कंपलसरी समझते हैं। हाँ सर, हम असाइनमेंट कंपलसरी समझते हैं। करते कहाँ हो? सर असाइनमेंट करते सर, वही तो करते हैं सर, बाकी वही करते हैं सर, अब तक वही किया है सर, बुकलेट तो ज्यादा नहीं आज हाथ में लेंगे, असाइनमेंट करते जाओ। चलो बढ़िया, अच्छे बच्चे हो तुम, है ना। थैंक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, यस ये सब आसान ही आसान लग रहा है, कर लोगे, यस ठीक, ट्राई तो कर ही लोगे, है ना। ट्राई तो हर एक चीज करते हैं, लेकिन होता है सिर्फ असाइनमेंट। चलो ये असाइनमेंट भी मैंने थर्मो का, पूरे ही थर्मो का भेज दिया, 3 असाइनमेंट, है ना। सर थर्मो के बाद अब सॉरी ऑर्गेनिक लोगे? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आईयूपीएसी नेम, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। और हेमंत सर हाइड्रोजन पढ़ा देंगे और एस एंड पी ब्लॉक। सर हेलो, ऑर्गेनिक के बाद 12th का चालू होगा बाद में।